वो अपने आप के बहुत बड़ा क्रांति समझो, मनीष कश्यप नाम बिहार के लगे, वो कह देते कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता, कहे कहे कि अंग्रेजों का बनाया कानून है। तो जवाब दिए चाहो कि नहीं चाहो, साफ साफ शब्दों में लिख ले कि 1932 के सर्वे के आधार पर इसका स्थानीय बना है, जब बिहार में शामिल था उस समय ये लागू था, लेकिन झारखंड बन गया तो लागू नहीं हो सकता। लॉजिक समझा कैसे तो नहीं बुढ़वक मानो। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे कोर नए वीडियो में। अब खतियान से फायदा की होता खतियान से जैसे लागू होते है ना, बाहरी लोग अपने आप छेड़ जीते, मतलब तोरे बच्चा फॉर्म भरता, तोरे बच्चा एग्जाम देता और तोरे बच्चा निकलता, लाइन तो नहीं तो अंदर लड़ाई लगे, यह लगे खतियान तोर जवाब तोने घर जाए देखिए तोने पास खतियान है, तो ककरो 1908 किया था, ककरो 1932 किया था, ककरो 1954 किया था, ककरो 1964 किया था, जहां जखन सर्वे होला सब खतियान देते गए, और खतियान के आधार पर ये बनो हर जगह। जैसे भारत में 28 गो राज्य है, 28 में 18 राज्य में स्थानीय जो बनो है वो खतियान के आधार पर बनो है, तो हमर कहन बनते गलत है कि मांग गलत है कि गलत ना है, लॉजिक है। अब एगो पत्रकार है, लोग बहुत बड़ा क्रांति पत्रकार हो, वो अपने आप के बहुत बड़ा क्रांति समझो, मनीष कश्यप नाम बिहार के लगे, वो कह देते कि 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता, कहे कहे कि अंग्रेजों का बनाया कानून है। तो जवाब दिए चाहो कि नहीं चाहो ने, ओकरा पूछिए कि संविधान कब बनल है, संविधान कब बनल है, 1950 में बनल है, बोलिए जो संविधान बनल है ना, उस संविधान के जो 60% भाग है ना वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भाग है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही क्या हालत अंग्रेज, यानी अंग्रेज से बनाया हुआ कानून संविधान में 60% है, तो मेरा क्या गलत है, आप संविधान को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं ना, तो इसको भी मानना पड़ेगा, और इसलिए मानना पड़ेगा कि जब 66वां संविधान संशोधन जब 1990 में हुआ तो CNT और SPT एक्ट को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये एक संविधान में इसको मान्यता दिया गया है, हम कोई असंवैधानिक बात नहीं करते हैं, और ये मेरा हक कला है, उसे हम लेके रहेंगे किसी भी कीमत पर, अपर लड़ाई बहुत नहीं है। अब मनीष कश्यप के एक और बात बोलो, जितना भी संसदीय प्रणाली है ना, संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया, इंग्लैंड से, द्विसदनीय व्यवस्था कहां से लिया गया, इंग्लैंड से, तो बेटा कानून कानून तो सब लोग अंग्रेजी तो सब खत्म कर दे, तो रलवैया चलो ना सब कानून अभी अंग्रेजी को नोल लगो, तो बने ले कहां है, ओकर बाद ओकरा कहिए इनकम टैक्स किसने बनाया, टोल टैक्स नियम किसने बनाया, सब टैक्स सेल टैक्स 8 गो 10 गो जितना टैक्स हो सब तो अंग्रेज के बनल कानून लगो, तो बने ले के हैं। एक बात और, कानून के क्या हो, कानून के जानकार वकील सब, एडवोकेट सब, जैसे हो थे कानून के जानकार, अच्छा वकील सब काला कोट पहनो थे, कई पहनो थे काला कोट, जबकि काला कोट को दिन सबसे ज्यादा गर्मी दूर, तो किर पहनो थे काला कोट, तो वहां अंग्रेजी बनल कानून लगे, कहे जाना इंग्लैंड में लागो ले ठंडा, बड़ी जोर से वहां ठंडा पड़ो, सालों भर ठंडा पड़ते हुए से खातिर किरण ओकरा ज्यादा गर्मी ऑब्जर्व करो, इसलिए अपने बने थे काला कोट, और काला कोट में हवा नहीं घुस सर से खातिर बने थे सफेद पट्टा, ओहो तो आज तक कुत्ता नहीं ढोर रहा, लेकिन खाली खतियान नहीं चलते झारखंड में, बाकी सब चलते सब चल रहा लो, लेकिन खाली खतियान नहीं चलते, लॉजिक देखा कि नहीं। और मनीष कश्यप के दार बात पूछिए कि समस्तीपुर में जो खतियान लागू है वो कब का लागू है, कौन सा सर्वे का लागू है, पूछिए पहले सवाल, अगर बापे पढ़ ले तो चाहे वो पढ़ ले तो अगरा पूछिए कि कौन सा खतियान लागू है, 1932 के खतियान लागू है, जब तोर जगह लागू हो तो कोई दिक्कत ना, लेकिन हमर जगह लागू होता तो दिक्कत, हमर जगह प्रूफ हो, जखन हमने झारखंड सम्मिलित होले बिहार में तखन गोड्डा के एक आदमी बने ले अपन जाति स्थानीय ओकर हमारा प्रूफ हो, वो बने ले तो 1932 के सर्वे सर्वे साफ साफ शब्दों में लिख ले कि 1932 के सर्वे के आधार पर इसका स्थानीय बना है, जब बिहार में शामिल था उस समय ये लागू था, लेकिन झारखंड बन गया तो लागू नहीं हो सकता, लॉजिक समझा कैसे तो नहीं बुढ़वक मानो सरकार।
तो समस्या है। बात है कि हमने भी दिक्कत है, हमने अपन चिंता के हमेशा छोड़ ले। विनोद बाबू कहते पढ़ो और लड़ो, विनोद बाबू कहते पढ़ो और लड़ो, लेकिन पढ़ ले तो पढ़ ले, लड़ाई घड़ी हमने की कर ले, मुर्गा ना लड़े, मुर्गा तो दे बोलो, हम मुर्गा ना लड़ोगे तो भाई है भाई करना, गोतनी गोतनी में लड़ ले, सास को तो लड़ ले, लड़ ले कि यह तक कमजोरी हो। लड़े कहाँ हो, लड़े आज के दिन कह ले लो, आज के दिन, आज की तो खत्म हो गया। तो शिक्षा व्यवस्था में कहाँ हुआ, शिक्षा व्यवस्था में 22वां नंबर पर झारखंड आओ, 22वां नंबर पर सरकार के डाटा को है कि 19,000 रुपया हर बच्चा पे खर्च करना चाहिए, सरकार खर्च करो कहते जाओ ना 6,000 रुपया, मतलब पूर्वक रहे तब तो झंडा डाल। सरकार के डाटा ही कहे कि कम से कम 25-30% शिक्षा में खर्च करना चाहिए, खर्च कते करो 6%, पूर्वक रहे झंडा डाल। स्थिति आज स्कूल में पूरा झारखंड के स्कूल में करीब 2,00,000 टीचर के वैकेंसी खत्म, हमने कर लिया कार्मिक विभाग का डाटा में पास, 2,00,000 टीचर की आवश्यकता है, लेकिन टीचर नहीं देते, चेयर रहा स्कूल भगवान भरोसे, भगवान भरोसे चेयर रहा। अरे और तो सबसे हद की बात है जो झारखंड टॉपर लड़का जो झारखंड के हो ना, ओकरा JNU और DU जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिला, कहे ना मतलब कहे कि ओकर कट ऑफ डेट कटे निकलो जाना 99%, और जो तो टॉपर कर लिया ना ओकर परसेंटाइल हो 96%, तो एडमिशन कैसे हो तो ही बता, अपना शिक्षा व्यवस्था चौपट, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो, पूरी तरह से अखनी कोई लिखल पढ़ल आदमी ना हो, 1,00,000 में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एक लाख मतलब पढ़ले बिना तो कोई उपाय ना, 1,00,000 स्थिति हो। आज फिटनेस तो चर्चे जो अगर अगर तो एक्सीडेंट हो गया तो तोर की स्थिति हुई तो सीधे डिस्चार्ज कहा रिम्स और PNC, और रिम्स और PNC में जब होता था तो तुम्हारा बेड तक नहीं मिलता। सबसे बड़ा लड़ाई हमने का रोजगार और नौकरी के, ओकर बारे बताना बहुत जरूरी है। रोजगार में सरकार को है कि हम जब सत्ता में बैठते 5,00,000 नौकरी देते, अभी तक 1,00,000 मिलो, 3 साल हो गए मिलने के, कल बांट लो 5,000 नौकरी, कौन बोला स्किल डेवलपमेंट वाले, एक तो रघुवर दास 1,20,000 मांग के अपन वोट रिकॉर्ड बने ले, बने ले लेने, अपन रघुवर दास का स्थिति देखिए जाए के की होल ऐसा स्थिति। तोरा हमरा पूरा नहीं चाहिए जेका 5,00,000 सरकारी पोस्ट खाली होने उठा चाहिए, ऊपर ले तो पहले नीति बना और बाद नियुक्ति ले उठा के मांग लो, समझ ली ओकर मांग कौन कर रहा है, कौन टेढ़ा सवाल है।